वो तुम्हें लग रहा है ना कि भाई ये है, जिसके भी इंटरव्यू देखे भाई वो नहीं है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अभी की इस वीडियो में बात करने वाले एल्विश यादव और कीर्ति मेहरा के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा, जब एल्विश यादव बिग बॉस हाउस में थे तो वो बार बार बोलते हुए नजर आते थे कि वह यहाँ पे किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते क्योंकि बाहर उनकी एक गर्लफ्रेंड है एंड वह उनको ऐसे देखेगी तो उनको बुरा लगेगा। जिसके बाद दोस्तों सभी को लग रहा था कि एल्विश यादव कीर्ति मेहरा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों फाइनली जब कल जियो सिनेमा पे एल्विश यादव का इंटरव्यू आया एंड उनसे पूछा गया कि आखिर आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, तो देखिए इसके बारे में बात करते हुए एल्विश यादव ने कैसे कल सब चीजें क्लियर कर दी। वो लड़की कौन है जिसकी वजह से तुम लेफ्ट राइट यहाँ वहाँ कहीं नहीं देखते हो, कौन है वो? एक तो एक आधा तो हमने कुछ इंटरव्यू वगैरह भी देखे हैं, तो कौन है वो लड़की? मैं काफी डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों के, कि जो तुम्हें लग रहा है ना कि भाई ये है, जिसके भी इंटरव्यू देखे हैं, जो भी करा है, जो भी करा है भाई वो नहीं है। जो जी जो बंदी है वो अलग है, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो पंजाब की है और पंजाब में ही रहती है, कहीं बाहर नहीं रहती वो, और वो सोशल मीडिया भी नहीं है काफी, उसकी लाइफ बहुत प्राइवेट है और वो चाहती है कि सारी चीजें बहुत प्राइवेटली ही रखी जाए। उसे पसंद नहीं कि उसका नाम मैं कहीं पे लूं या फिर उसके फॉलोअर्स बढ़ाऊं इन चीजों के पीछे, उन चीजों से दूर और खुश है। मतलब जैसी तुमको लड़की चाहिए थी वैसी लड़की है तुम्हारे पास। वेरी गुड। सो लकी ऑफ यू, और ऐसा कॉम्बिनेशन वाला पार्टनर मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एल्विश यादव ने यह क्लियर कर दिया कि वह कीर्ति मेहरा की नहीं बल्कि किसी और लड़की के बारे में बात कर रहे थे जो करंट में उनकी गर्लफ्रेंड है एंड वह अभी दुनिया के सामने नहीं आना चाहती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या एल्विश यादव सच बोल रहे थे या एल्विश यादव झूठ बोल रहे थे? आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। एंड दोस्तों अब देखते हैं कि इस पे कीर्ति मेहरा का क्या रिएक्शन आता है। तो दोस्तों ऐसे ही यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।